hungry. Good morning. चले राजीव कहीं रात की सारी बातें याद तो नहीं? पार्वती क्या हुआ, चले? चलो भाई, मैं भी चल रही हूँ तुम लोगों के साथ। आओ। कुछ तो हुआ, शराब पीने के बाद सारी यहाँ आया था। पार्वती ने कहा था कि वो चलो भाई, अब क्या हो गया है? चलो मैं भी आ रही हूँ भाई साथ में तुम लोगों के। नहीं गौर साथ ही उनके तो डर नहीं ले सका, तो मुझे रांची से बचा के रहा। हाँ हाँ आंटी जी, चलिए ना। वैसे भी आपकी कपड़ों की चॉइस तो बहुत अच्छी है भाई। गॉड, चलिए फिर। चलो भैया, बहुत लेट कर चुका है। कभी रास्ते में संजू को समझा कर दिया तो भगवान रक्षा करना मेरी पार्वती की। Hi, I'm Tanvi Dogra and you're watching me on Tele Reporter. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है नीति को, शी इज वेरी हैप्पी। तो वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, सिक्योर्ड है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है उसकी लाइफ में किसी से भी उसको। सो अपनी लाइफ में बहुत खुश है नीति, और अपनी उड़ रही है हवा में, शॉपिंग करने जा रही है, परी को लेने आई है पार्वती को, और संजू और पार्वती के लिए शॉपिंग करेंगी, मतलब सॉरी संजू और अपने लिए शॉपिंग करेंगी एंगेजमेंट की। यस, नहीं नहीं, परी नहीं सोच रही है कि संजू को मैं पालूं बिल्कुल भी। उसे तो यही लगता है कि संजू ने उसे मारा था और वो बदला लेना चाहती है। वो करीब आने की कोशिश करता है संजू, लेकिन हर बार पार्वती उसे थोड़ा निग्लेक्ट कर देती है, क्योंकि उसका फोकस है उसे बदला लेना, ना कि उसके प्यार में पड़ना। तो वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि संजू चाह रहा है कि वो बोल दे कि वो परी है, और वो अपने आप को कंट्रोल कर रही है कि नहीं, वो नहीं बोलेगी कि वो परी है, स्ट्रॉन्ग बनेगी। एक्चुअली नीति को पता नहीं है, नीति तो संजू को ढूंढ रही है, उसे कुछ बात करनी है, और वो पूरे घर में मिलता नहीं है। तो वो पार्वती को वैसे ही फोन लगाती है पूछने के लिए, और पता चलता है कि संजू सच में यहाँ है। तो नीति बहुत एम्बेरस्ड होती है कि पी के आ गया, क्या बात है, बट वो ही है। फिर वो आती है और ले जाती है संजू को, फिर अगले दिन भूल भी जाती है। तो उसको कुछ इतना वो नहीं हुआ कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, वो नहीं जानना चाहती कि क्या होगा, बट वो खुश है अपनी लाइफ में अभी। तो अभी नीति और संजू की शादी होने वाली है, तो अभी एंगेजमेंट है। तो एंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए नीति बहुत खुश है, एक्साइटेड एंड हैप्पी है, क्योंकि अभी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजू जिससे वो शादी करना चाहती थी उसने उसे खुद प्रपोज किया है। देन पार्वती जिसे वो परी समझ रही थी, अब वो उसे पता चल गया है, यकीन हो गया है कि वो पार्वती है, परी नहीं है, और वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। सो उसे अभी अपनी लाइफ में नया तो ये है कि अभी हम शॉपिंग सेंटर चले गए, और वहां पे जो भी मस्ती मजाक होगा वो होगा, हम अपने लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करेंगे, क्या होगा चेंजिंग रूम्स में, क्या ड्रामा आ सकता है, यू नेवर नो, वहाँ पे कुछ ड्रामा होगा। देन एंगेजमेंट में बहुत बड़ा ड्रामा होगा, पर ओवरऑल इट्स गोना बी एन एंटरटेनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप देखते रहिए जैसे आप देखते हैं परिनीति, और हमें ऐसे ही प्यार करते रहो।